Assalamu alaikum, dear viewers. Again, आप सब लोगों को welcome करता हूँ Unstoppable Motivation के YouTube channel पे. सबसे पहले, dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आता हूँ और आप लोगों को मैं कुछ न कुछ बेस्ट सिखाने की कोशिश कर लेता हूँ. तो my dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले वीडियो की एक्सटेंशन में बनाया गया है. पहले जो हमारा टॉपिक था वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर था और यही ये टॉपिक भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. पहले हमने टाइम का इंट्रोडक्शन करवाया था और टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं उसके कुछ रीजंस हम लोगों ने डिस्कस किए. तो माय डियर व्यूअर्स, आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही बात कर लेंगे. और आज जो टॉपिक मैंने सब टॉपिक्स बनाए उनमें से जो टॉपिक है वो है हाउ शुड आई मैनेज टाइम, मुझे टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए. बहुत ही अहम क्वेश्चन है माय डियर व्यूअर्स. अगर आपको ये पता नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम को कैसे मैनेज करने के लिए आपको कुछ चीजों की नीड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. यू नीड टू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, अहमियत जानना जरूरी है किसी चीज की. अब जब तक मैं किसी चीज की अहमियत नहीं जानता तब तक मुझे उस चीज की कदर नहीं होती. तो सबसे पहली बात आपके अंदर टाइम की कदर आना चाहिए. क्यों? टाइम इज मनी, टाइम इज सेकंड नेम ऑफ लाइफ, टाइम इज एवरीथिंग. क्या कहा जाता है, किसी भी शख्स को टाइम के साथ काम करना चाहिए, टाइम के अगेंस्ट नहीं. क्यों? अगर आप टाइम के अगेंस्ट करेंगे तो क्या, यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन डू सम बेस्ट वर्क? नो, नेवर. उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आप टाइम मैनेज करने पे जाएंगे तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जी आपने अपने तमाम एक्टिविटीज के ऊपर जरा नजरसानी करने की कोशिश कर. सारा दिन देखें कि आप किस किस्म के एक्टिविटीज कर लेते हैं, किस किस्म के काम कर लेते हैं, आप कौन कौन सी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो आपके डेली रूटीन में शामिल है. एक लिस्ट तैयार करें, उस लिस्ट ऐसी तैयार करें कि पहले नंबर पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, यानी ऐसा कोई काम आपकी लाइफ में आपकी सराउंडिंग में जो आपको करना है बहुत ज्यादा अहम है, आपको लगता है वो काम पहले करना चाहिए, वो काम पहले ना. जब आप ये करने लगेंगे तो आपको काम की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी, उसके साथ साथ फजूल जो काम वगैरह हमारी एक्टिविटीज वगैरह होती है वो भी रिमूव हो जाएंगे आपके टाइम. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पे एक स्टूडेंट है, स्टडीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम. एक जॉब करने वाला है, जॉब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है. एक हाउसवाइफ है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो घर की सफाई रखना और घर को डेकोरेट करके रखना. एक प्रिंसिपल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क स्कूल में टाइम पे पहुंचने, तमाम टीचर्स के ऊपर नजरसानी रखनी है. बहुत सारी चीजें आ सकती है, आप जरूर देख लीजिए. उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एक चीज हम बड़ी गलती कर, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, हम क्या कर लेते हैं, थिंक बिग एंड वी आर गोइंग टू टेक बिग स्टेप्स. सो इट्स इम्पॉसिबल. आप जरूर थिंक बिग करें, मना नहीं है, जरूर थिंक बिग करें, बट टेक स्मॉल स्टेप्स. जब आप स्मॉल स्टेप्स लगेंगे तो आपको इजी भी हो जाएगा, आपको मजा भी आ जाएगा.